आज मैंने जहूराबाद विधानसभा से नामांकन किया है 3 सीट में। ऐसे में आज आपने नामांकन कर दिया, अब रण क्षेत्र में उतरने जा रही है, उस रण क्षेत्र में लड़ाई किससे रहेगी? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं 2012 में जहूराबाद से लड़ी थी और मैं उस चुनाव की विजेता थी और माननीय कालीचरण राजभर जी दूसरे स्थान पर थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस समय भी अपनी छड़ी के साथ में थे, तीसरे स्थान पर थे, और यह 1000, 2000, 10000, 15000 की हार नहीं थी, बहुत लंबी हार थी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी मैं इस चुनाव को भारी मतों से जीतूंगी, अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60000 के करीब आबादी बचाई जाती है राजभर कम्युनिटी जी, और दो कैंडिडेट जो है जो आपके अपोनेंट है वो उसी कम्युनिटी का। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आपसे क्या, मैं तो एक बात कहती हूँ कि लोग बात करते हैं इतने राजभर हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने यादव हैं, इतने ठाकुर हैं, खाने खाने में लोगों को लोग बांट देते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं 80-20 की बात नहीं करती, मैं 60-40 की बात नहीं करती, मैं 85-15 की बात नहीं करती, मैं हमेशा बात करती हूँ 100% की। मैं 100% लोगों को साथ में लेकर चलती हूँ, 100% लोगों को, 100% लोगों का काम करती हूँ, और मैं अपना 100% अपने क्षेत्र को, विकास को क्षेत्र के, अपने क्षेत्र की जनता को देने का पूरा पूरा प्रयास करती हूँ। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रही हूँ, जो आपने सवाल पूछा है, जब मैं जहूराबाद से चुनाव लड़ने गई थी उस वक्त भी मुझसे बहुत से लोगों ने यह सवाल किया था, उस वक्त लगभग 40,000 यादव मतदाता थे और 28,000 मुस्लिम थे, बाकी जो समीकरण राजभर और दलित वोटों SC वोटों का था वो लगभग 1,30,000 का था। तो मुझसे लोग कहते थे कि ये आप कैसे चुनाव लड़ेंगी, आपका 68% आंकड़ा आ रहा है और ये इतना आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि देखो खाने खाने में मत बांटो, मैं इतना जानती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, और प्रेम की भाषा सब समझते हैं, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं फख्र के साथ कह सकती हूँ, गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा वो पैगाम, मेरा वो संदेश जहूराबाद की जनता ने ग्रहण किया, वो कभी भी कर्नल उसकी बातें नहीं करती है, हमेशा विकास की बात करती है, उसने तब भी मुझे चुना था। और याद रखिए कि 2017 में मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, 2017 में मेरा टिकट काटा गया था, अगर उस समय भी मुझे टिकट मिला होता तो शायद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने विधानसभा का मुंह नहीं देखा होता, मेरा टिकट काटा गया था। और जो आज बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके पहली बार विधानसभा की दहली पर पहुंचे थे, उससे पहले हार कितनी बार थी जरा गिन लीजिएगा, जहूराबाद में मुझसे हारे 2012 में, उससे पहले चिरई गांव में कई बार हारे थे, आप ही बताओ, बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि कई बार के हारे हुए विधायक माननीय मेरे सामने हैं, और मुझे बताओ ना, मैं 2 चुनाव लड़ी हूँ, दोनों मैंने जीता है, लेकिन सदर का मैं, अरे यार कहने दो, मैंने सदर का चुनाव जीता, मैंने जहूराबाद का चुनाव जीता, 2017 में मेरा टिकट काटा गया, मैंने बड़े मन का परिचय देते हुए निर्दल चुनाव नहीं लड़ा था। जब इस बार भी हुआ तो मैंने कहा, जब मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि आपको लड़ना है तो मैंने कहा ठीक है, मैं निर्दल चुनाव लड़ती हूँ। और जब ये गठबंधन ने घोषणा कर दी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, तो मैंने उसके नेक्स्ट डे अपनी घोषणा कर दी कि मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगी, और विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुझसे संपर्क किया, मुझे जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी, मुझे लगा कि 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के शासनकाल में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था, विकास के भी कार्य हुए थे, मैं उनके साथ आ गई उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो एक आयरन लेडी हैं। जीत की हैट्रिक आप लगाए जाने वाली है इस बार, इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जरूर। मैडम एक आखिरी सवाल, इस बार चुनाव में एक नैरेटिव, आप दोबारा नहीं मिलेंगे क्या? नहीं बिल्कुल मिलेंगे, तो आखिरी क्यों कहते हैं? आज के लिए, आज के लिए, चलिए फिलहाल के लिए हम फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, ना आपके लिए आखिरी ना मेरे लिए आखिरी। आपकी सरकार बनती है तो आप फिर मंत्री बनेंगे उस सरकार में? मुझे मंत्री बनने की कोई चाह नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब बनने से ज्यादा जरूरी होता है इंसान का अच्छा इंसान बनना।
मैं 5 साल विधायक नहीं रही, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता से पूछिएगा कि क्या मैंने उनकी सेवा में कोई कमी की, मैं उनके बीच में रही कि नहीं रही, मैंने उनके कामों को किया कि नहीं किया, ये पूछिएगा कि भाई मंत्री से बेहतर है मैं संतरी रहूं, प्रहरी रहूं, सजग प्रहरी अपनी विधानसभा और उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक जिन्होंने मुझे प्रेम स्नेह सम्मान दिया है, मैं उनके मान सम्मान की रक्षा करूं, विकास करूं, ये मैं